This conference will now be recorded. ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि इस बार टॉपिक हम रिजर्वेशन रखेंगे। ठीक है, पिछले साल से चर्चा में भी रहा है थोड़ा बहुत, वो काम का टॉपिक है आपकी का, स्ट्रेट टॉपिक का, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि जो लोग सपोर्ट करें वो ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करेंगे और जो लोग अपोज कर रहे हैं वो ब्लाइंडली अपोज नहीं करेंगे। बैलेंस रखना पड़ेगा हमें अपने विचारों में। व्यक्तिगत रूप से हम कुछ भी सोचते रहें, इससे ये प्रभाव हमारे निबंध पर नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो वो जिन लोगों को मिलता है वो लोग कोशिश करेंगे जस्टिफाई करने की, जिनको नहीं मिलता है वो उसका विरोध करेंगे, लेकिन आपको दोनों के बीच में संतुलन बना के रखना है ना। ये थोड़ा विजन क्लियर होना चाहिए, यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं है। खैर, तो हमेशा की तरह ड्राफ्टिंग करेंगे आरक्षण पर। रिजर्वेशन कई तरह से पूछा जा सकता है, रिजर्वेशन एंड वीमेन्स एम्पावरमेंट, रिजर्वेशन इज अ टूल ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का जरिया है, इस तरह से पूछ सकता है। आरक्षण की समीक्षा क्या है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो मूल विषय समझेंगे, उसके बाद जो हमने डिस्कस किया उन पर हम विचार कर लेंगे। ठीक है, फिर तो ड्राफ्टिंग करें, एक स्टार्टिंग यानी इंट्रो प्रस्तावना बनाएं, उसके बाद आरक्षण को समझाएं क्या है, उद्देश्य भी लिखेंगे, आधार भी लिखेंगे, भारत में क्या व्यवस्था रही है ये भी, और क्या प्रभाव पड़े हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संतुलित करना है। ठीक है, हमेशा से हम लोग ये ड्राफ्टिंग करते आए हैं, तो इसमें भी ड्राफ्टिंग यही रहेगी। हाँ, बीच बीच में थोड़े शब्दों को, लाइनों को हम अपने अकॉर्डिंग बनाकर लिख पाएंगे वहां पर। ठीक है, फिर जो प्रस्तावना है वो बहुत अच्छी नहीं बनी है मेरे से, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सर आप लोग मेहनत करें, क्योंकि मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ प्रस्तावना से, लेकिन फिर भी हम लोग प्रस्तावना शुरू करते हैं। चलो, तो लिखें आप लोग, बाधाएं आती हैं, आती रहें, घिरे घिरे माने घिरना, प्रलय की घटाएं, कॉमा नेक्स्ट लाइन से, पांव में यदि अंगारे, सिर पर बढ़े ज्वालाएं, लेकिन हमें नेक्स्ट लाइन से कदम मिलाकर, या कदम से कदम मिलाकर, हंसते हंसते चलना होगा, आरक्षण सामाजिक न्याय है यह समझना होगा। ठीक है, इसके अलावा हम एक उदाहरण दे सकते हैं गाड़ी का और उसके चार पहियों का, है ना, वो भी अच्छी शुरुआत मानी जाएगी कि किसी भी गाड़ी का संचालन, सुचारू संचालन वाहन का, उसके चार पहियों पर निर्भर करता है, और किसी कारणवश अगर उसका एक भी पहिया या व्हील अक्षम है तो पूरी समाज रूपी वाहन को चलाना लंबे समय तक संभव नहीं होगा। वो पहिया या व्हील ना केवल खुद के लिए नुकसानदायक है बल्कि पूरी व्यवस्था या वाहन के लिए भी हानिकारक होता है। ठीक है, एक तीसरी प्रस्तावना या उदाहरण बनेगा कि जिस प्रकार किसी घर में जो कोई विकलांग
होता है तो परिवार उसे अपने हाल पर नहीं छोड़ता, बल्कि उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं करता है। और ये व्यवस्थाएं उसका अधिकार नहीं होता, बल्कि उसे मुख्य धारा में जोड़े रखने का उपाय है। ठीक है, तो हम उसे बैसाखी देते हैं, ट्राइसिकल देते हैं चलाने के लिए, या जहां भी जरूरत है हम उसे अन्य लोगों से अलग ट्रीट करते हैं। कोशिश यही रहती है कि वो मुख्य परिवार या धारा का हिस्सा बना रहे। ठीक है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत अच्छे उदाहरण नहीं मिले हैं मुझे अभी तक इसमें, तो इस बार आप लोगों पर जोर है कि आप लोग थोड़ी सी प्रस्तावना अच्छी बनाकर दिखाएं। खैर, तो इतना लिखने के बाद आप समझाएं, स्पष्ट है कि हम बात कर रहे हैं आरक्षण की, तो आइए जानते हैं कि आरक्षण क्या होता है। सीधा टॉपिक आप शुरू करें। ठीक है, चलिए, तो इस शुरुआत के लिए आप लोग ये कोशिश कर लें जो आप स्लाइड में देखने जा रहे हैं। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ ये है सुरक्षित रखना। अंग्रेजी के रिजर्वेशन का हिंदी पर्यायवाची आरक्षण होता है और इसका अर्थ है सुरक्षित करना, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। क्या चाहता है? अपने आप को सुरक्षित करना, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो जरूरतमंद हो या ना हो, तब भी वो हर व्यक्ति अपने आप को अच्छे स्थिति में बनाए रखने के लिए और बुरे स्थिति से बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। सामान्यतः शब्द का प्रयोग हम किसी वाहन में यात्रा करने से पहले सीट कंफर्म, सीट रिजर्वेशन के लिए करते हैं, नौकरी के लिए करते हैं, या विधान मंडलों का हिस्सा बनने के लिए करते हैं। ठीक है, जब हम इसे संकीर्णता के साथ देखते हैं तब हमें पता लगता है कि कुछ लोग जो जरूरतमंद हैं और जो सामान्य प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बन सकते, योग्य नहीं हैं, तो वे इस तरह के दावे करते हैं। और व्यवस्था द्वारा अधिकार के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ को जरूर लिखना, बहुत अच्छा है और इसी से समझ में आएगा और ये बहुत कम जगह मिलेगा आपको, समझाएं आप इसे। ठीक है, असम्मानात रक्षिता इति आरक्षिता। ठीक है, यानी हर तरह से सुरक्षा प्रदान करना ही आरक्षण। ठीक है, यहां हमने आरक्षण का मतलब वो नहीं माना है जो नौकरी मिल रहा है कहीं, हमने सिंपल आरक्षण शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए, अब अगर हम इसे सरकारी सेवाओं में या राजनीति में देखें तो इसका इतिहास हमें आधुनिक भारत में अंग्रेजों के समय से देखने को मिलता है। विशेषकर अगर हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों में पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। और यदि हम
सरकारी सेवाओं की बात करें तो आप लिखेंगे, स्लाइड में नहीं है ये, जो सतारा राज्य था वहां शाहू जी जो पेशवा हुआ करते थे, उन्होंने सरकारी सेवाओं में निम्न जाति के लोगों को राज्य की सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो दो उदाहरण देंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में लॉर्ड मिंटो का, और सरकारी नौकरियों में बात करेंगे तो कोल्हापुर महाराज का दिखाई देता था। ठीक है, और उसके बाद ये व्यवस्था संविधान के बाद हमें, आप 1919 भी लिख सकते हो, है ना। और अगर हम दलितों की बात करें तो उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में आप उदाहरण देंगे आधुनिक इतिहास से, अंबेडकर के द्वारा लाए गए कम्युनल अवार्ड से। ठीक है, जो गांधी के विरोध के बाद थोड़ा सा रिफॉर्म करके दलितों को दे दिया गया था। तो इतिहास में जाकर आपको 1909 महाराज कोल्हापुर, और दलितों के लिए अगर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो 1932 का सांप्रदायिक निर्वाचन कम्युनल अवार्ड। ठीक है, ये सब कहानी आपको बेसिकली पता है, हम केवल आपको एक शेप देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। इस बीच में महिलाओं को भी एनी बेसेंट के द्वारा मांग की गई थी जब राउंड टेबल सबमिट हुए थे। बोलो जी, राउंड टेबल सबमिट की जब बात हुई थी, एक सेकंड होल्ड करिए आप लोग। तो उदाहरण आपको ये देने हैं अच्छे से। अब बात करते हैं संविधान, क्योंकि संविधान निर्माण में स्वयं अम्बेडकर जी का बड़ा योगदान था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने यहाँ ऐसे सामाजिक न्याय के उपकरण के रूप में देखा, उन्होंने यहाँ ऐसे सामाजिक न्याय के उपकरण के रूप में देखा। और संविधान के विभिन्न प्रावधानों में सरकारी नौकरियों में तथा रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस यानी जन प्रतिनिधि मूलक संस्थाएं अर्थात संसद और विधानसभाएं, और बाद में पंचायत तथा नगर पालिका में भी उनके लिए प्रतिनिधित्व तो आरक्षण किया गया। ठीक है, इसके अलावा 15(4) में जो किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करता है लेकिन राज्य को SC/ST और बैकवर्ड क्लासेस के उत्थान के विशेष प्रयास करने की अनुमति भी देता। ठीक है, तो 15(16), 330, 32, ठीक है, 243 का डी पंचायतों में, ये संविधान में व्यवस्थित रूप से दिया गया। हाँ, यद्यपि अलग बात है कि वहां आरक्षण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, वहां वो अफर्मेटिव एक्शन शब्द का रूप के रूप में प्रयोग किया गया है। तो हम आगे समझेंगे कि अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या दिए गए थे वो भी आप देखें। इसका उद्देश्य हम शुरुआत में ही जो लिखा था उसी में रहेंगे। क्या था उद्देश्य? आर्थिक और सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, ठीक है, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को उनके जीवन स्तर को सुधार कर रोजगार देकर समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित करना, यानी अन्य लोगों के समान बनाना। तो भारत में आरक्षण समानता लाने के लिए है, जो अधिकार और सुविधाएं अन्य लोगों को मिल रही हैं उनके योग्य बनाना
ऐसे लोगों को जो पिछड़े हुए थे, ये मूल उद्देश्य देखा गया। ठीक है, हम संविधान की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम आधारों की बात करें तो संविधान में आरक्षण के लिए, यद्यपि जाति पंथ और धर्म का विरोध हुआ है, लेकिन संविधान से बाहर देखें अन्य राज्यों में, देशों में, तो वहां आरक्षण के निम्नलिखित आधार देखने को मिलते हैं। लेकिन भारत में याद रखना कि आप लिखेंगे पंथ और धर्म क्या नहीं हो सकता, आरक्षण का आधार नहीं हो सकता, साफ साफ स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जाति भी स्पष्ट नहीं, जाति को भी स्पष्ट आधार नहीं बनाया गया, बल्कि ये कहा गया है सामाजिक पिछड़ा। तो भारत में सामाजिक पहचान का आधार क्या है, जाति है, इसलिए जाति अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण का आधार बनी है। लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, हम कर सकते हैं, और जो लोग शारीरिक रूप से अपंग हैं, जिनको मोदी जी दिव्यांग नाम दिया है, उनको भी इस चीज के लिए एलिजिबल माना गया है। ठीक है, उद्देश्य में आप एक लाइन और लिखेंगे, वितरण मूलक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। उद्देश्य में, ठीक है, चलिए, तो उद्देश्य हो गया, आधार भी दिखा दिए, अब ये दिखाएंगे कि किस रूप में संविधान ने इसे दिया है। तो आप आगे पैराग्राफ में लिखेंगे, प्रथम दृष्टया आरक्षण भारत के संविधान में समानता का विरोधी लगता है, लेकिन अगर हम उद्देश्य देखें तो आरक्षण संविधान में संरचनात्मक या सकारात्मक भेद के रूप में दिखाई देता है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, संरचनात्मक भेद या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, सकारात्मक भेद या अफर्मेटिव एक्शन के रूप में दिखाई देता है। अच्छे से लिखेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो समझें कि होता क्या है। ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन शब्द का प्रयोग हमने अमेरिकन व्यवस्था से लिया हुआ है, वहां जो ब्लैक लोग हैं या श्वेत हैं, उनको इस शब्द के रूप में, इस शब्द के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था हमें वहां दिखाई देती है। ठीक है, आप भी समझें, अगर नहीं पता है तो समझना कि अफर्मेटिव एक्शन है क्या चीज। तो लिखेंगे कि आरक्षण का उद्देश्य अंततः निर्माताओं का, संविधान बनाने वालों का यह था कि इससे सकारात्मकता आएगी। कैसे आएगी, तो आप उदाहरण दे सकते हैं कि यदि पड़ोसी का घर जल रहा है और हम ये सोच के चुप रह जाएं कि हमारे घर में आग नहीं लगी है, लेकिन ये तय है कि उसकी लपटें हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं, तो ऐसे ही समाज का एक हिस्सा अगर लंबे समय तक पिछड़ा हुआ रहता है तो वो कई सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है, जैसे नक्सलवाद, जैसे आतंकवाद, सामाजिक विचलन पैदा होते हैं, अपराधी भी बहुत कुछ बनने के कई कारण आर्थिक समस्याएं होती हैं। तो अगर लगातार किसी यूनिट का, अंग का पिछड़ा हुआ बना रहे तो वह पूरे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, स्वयं के लिए नुकसानदायक है, पूरी व्यवस्था को हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो अगड़े लोग हैं उनका दायित्व तो बनता है कि अपने बचाव के लिए, अपनी प्रगति के लिए, वो जो पिछड़े लोग हैं उनको भी साथ देने का प्रयास करें। कहने का आशय यह है, आप दूसरा एग्जाम्पल देंगे कि हमने हमेशा सुना है कि दो लाइन अगर बराबर तो, सॉरी, एक लाइन बड़ी है और एक छोटी है, तो इस छोटी लाइन को बड़ी करने के लिए क्या तरीका है, सुना होगा आप लोगों ने बात। तो हम मानते हैं कि नकारात्मक होता तो
जो बड़ी लाइन है उसे छोटी छोटी कर दें यानी काट दें, यानी जो आगे बढ़ रहे हैं उनको रोक दें, तो ये नकारात्मक भेद होगा। लेकिन संविधान चूंकि सकारात्मक भेद की बात करता है कि जो आगे बढ़ रहे हैं वो तो बढ़ते रहें, लेकिन उनके सहयोग से जो पीछे छूटे हुए थे उन लोगों को भी उनके साथ लाया जाए। इस रूप आरक्षण एक सकारात्मक भेद है, यानी ऐसा भेद जिससे इनको कोई समस्या नहीं होती, उल्टा इनकी ग्रोथ से इनको फायदा मिलता है। इस तरह समाज का प्रत्येक अंग, प्रत्येक व्यवस्था को लाभ पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये सकारात्मक भेद है। संरचनात्मक भेद क्या होता है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कि ये तभी संभव है जब जो पिछड़े हुए थे इनको कुछ विशेष अवसर या सुविधाएं दी जाए, जो कि सुविधाएं हैं अधिकार नहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये लिखना है आपको, कि जो पिछड़े थे उनको विशेष सुविधाएं ना कि अधिकार दिए गए, ये मानकर कि ये उनकी आवश्यकता है। ठीक है, जैसे अगर चार परिवार के लोगों में से एक परिवार अगर विकलांग है तो ट्राइसिकल उसकी जरूरत है ना कि बाकियों की जरूरत, यानी जो पिछड़ा है अगर उसे ट्राइसिकल दे रहे हैं तो ये उसकी जरूरत के अनुसार, और ये उसका अधिकार नहीं है, ये उसकी जरूरत है, सुविधा है, और ट्राइसिकल लेके करेंगे क्या, तो इनके पास ऑलरेडी पैर हैं तो चल सकते, ट्राइसिकल या बैसाखी दे दें, क्योंकि इनकी नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके पास दो पैर हैं। ठीक है, ये है संरचनात्मक भेद, यानी जानबूझकर अंतर तो किए जा रहे हैं लेकिन ये अंतर समानता के लिए है, पूरे व्यवस्था के सकारात्मकता के लिए, फायदे के लिए, किसी एक या दो के लाभ के लिए नहीं। क्लियर है बात? इसलिए संविधान और सर्वोच्च न्यायालय दोनों कहते हैं कि जब तक समानता नहीं हो जाती स्थापित तब तक आरक्षण दिया जाना चाहिए, और ये मौलिक अधिकार नहीं। ठीक है, इसलिए असीमित भी नहीं है, जिस दिन दोनों समान हो जाएंगे उस दिन आरक्षण शब्द को या व्यवस्था को हटा दिया जाए। ठीक है, इसलिए ये अनलिमिटेड टाइम तक के लिए नहीं रखा गया। आप जानते हैं कि 10-10 साल के लिए बढ़ाया गया और आगे भी बढ़ाया जाता रहेगा। ठीक है, अब ये तो संविधान का मूल तत्व है, ये मूल भावना थी, लेकिन जैसे ही ओबीसी के लिए लिखेंगे आप साहब का मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू जब आरक्षण के लिए की गई तो आरक्षण सबसे विवादित मुद्दा बना, यानी एससी एसटी को मिलता रहा, महिलाओं को मिलता रहा, किसी ने विरोध नहीं किया क्योंकि संविधान के लागू होने से ही लागू हो गया था, मिलने लगे। समस्या सबसे ज्यादा कहाँ हुई, जब ओबीसी का आरक्षण की बात। अब आप क्या लिखने जा रहे हैं, आरक्षण संबंधी द्वंद क्या है, इतनी अच्छी व्यवस्था पैदा हुआ है, द्वंद पैदा हुआ, तो वो द्वंद आप दिखाएं मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद, लागू होने के बाद दिखाई देते हैं। ठीक है, जब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को इसमें शामिल कर दिया और केंद्रीय सेवाओं में उनको 27% रिजर्वेशन दे दिया गया सेंट्रल सर्विसेज में। ठीक है, जिनका अनुकरण बाकी राज्यों ने भी अपने अपने अनुसार किया। पहला विवाद तो ये बना। दूसरा विवाद कब बना, जब इंदिरा साहनी वाद में, इंदिरा साहनी ये लिखेंगे वर्सेज इंडियन यूनियन केस, भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, तब भी इसका विरोध, इसके सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन को कई राज्यों ने नहीं माना और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने तो 69% तक आरक्षण दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवा दिया। तब विवाद का कारण बना। ठीक है, आरक्षण संबंधी दूसरा मुद्दा है, आरक्षण संबंधी तीसरा मुद्दा है, आरक्षण के विरोधी मानते हैं कि आरक्षण से योग्यता पर प्रभाव पड़ता, योग्यता और क्षमता कैसी होती है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि कम योग्य लोगों को
इसमें मौका मिल जाता है, ऐसा आरोप करके लिखना है, ऐसा मत लिखना ऐसा होता है। आप लिखेंगे कि आरोप है कि इसे नकारात्मक फर्क पड़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला द्वंद्व क्या लिखेंगे आप, कि आरक्षण को जिस तरीके से दिया गया, जो जो मैकेनिज्म है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, वो सबसे ज्यादा विवादित है। डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका कि संविधान जिस जाति का विरोध करता है, आरक्षण देने के लिए उसी जाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जाति नहीं होगी तो आरक्षण भी नहीं होगा, है ना। आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, आरक्षण के तरीके का, आधारों का विरोध हो रहा है, यह द्वंद्व है। अगला द्वंद्व क्या है, अगला द्वंद है कि आरक्षण पॉलिटिकल वोट बैंक होना है। साफ साफ लिखेंगे पॉलिटिकल वोट बैंक की तरह यूज हुआ, कैसे पता लगता है, तो आप लिखेंगे कि लोकसभा चुनावों से पहले जिस तरह से पश्चिम यूपी में कुछ जातियों को आरक्षण दिया गया था चुनावी लाभ के लिए, और तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, ये कहते हुए कि चुनावी स्टंट है। तो हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या माना है, चुनावी स्टंट मान के खारिज कर दिया। ये द्वंद्व आप दिखाएंगे। और लास्ट द्वंद्व ये है कि लोग आगे बढ़ने से बचकर पीछे बढ़ने में ज्यादा विश्वास रख रहे हैं, ठीक है। जो ओबीसी कैटेगरी है या जनरल कैटेगरी है, वो अपने आप को एससी में काउंट कराना चाहते हैं, क्योंकि एससी का आरक्षण में फाइट कम है, यानी अब पिछड़े होने की फाइट है। आरक्षण के लिए क्या है, हर जाति का व्यक्ति कोशिश करता है कि अपने आप को पिछड़े में शामिल करा ले, पिछड़े वाला शामिल करता है कि एससी एसटी में शामिल करा ले, इससे एक द्वंद्व पैदा हुआ। यहां तक अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना, ठीक है। आरक्षण के विरोध, आरक्षण के द्वंद्व हैं ये, इनको अच्छे से संभाल कर लिखना है, क्लियर है। एक लास्ट आरक्षण का विरोध और है, और वो है पदोन्नति में आरक्षण, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, ठीक है। और वर्तमान में आप देख रहे हैं रोस्टर सिस्टम आ रहा है आरक्षण के, रोस्टर सिस्टम की वजह से आरक्षण क्या हो रहा है, विवादित हो रहा है। तो थोड़ा करंट अफेयर पढ़ेंगे तो इसको आप अच्छे से संभाल लेंगे। रोस्टर सिस्टम में आपको यहाँ नहीं समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि जरूरत की चीज नहीं आपके लिए यहाँ पर, है ना। आप केवल लिख के छोड़ देंगे, रोस्टर प्रणाली भी विवाद का कारण बनी, क्लियर है, ठीक है। अब इनके समर्थन में हमें कुछ चीजें डालनी है। जैसे जब कहते हैं कि जाति को आधार बनाया गया है, तो इससे कई सारी समस्याएं पैदा होंगी। आप साफ साफ लिखेंगे कि इन द्वंद्वों से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं, जिससे जैसे जाति जैसे निगेटिव एलिमेंट का राजनीति में प्रयोग होना, है ना, जातिवाद का बढ़ना राजनीति में प्रयोग होना, जातिवाद का बढ़ना, ये एक बुरी स्थिति है, ठीक है। और आजादी लास्ट में आता, और जब धर्म के आधार पर यद्यपि आज आरक्षण नहीं दिया जाता, लेकिन भारत अपने टुकड़े करवा चुका है इस धर्म के आधार पर आरक्षण के कारण, ये भी लिख सकते हैं। अगर नकारात्मक देखना ही है तो भले ही नहीं है, लेकिन आप दिखा सकते हो कि धर्म के आधार पर आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि भारत ने अपने बड़े हिस्से को पाकिस्तान के रूप में खो दिया। तो आरक्षण के द्वंद्व अनायास नहीं है, कहीं ना कहीं ये समस्या पैदा जरूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समस्या पैदा जरूर कर रहे हैं, ठीक है। तो रजनी कुठारी का नाम आप लिखेंगे, उनकी किताब आपको लिखाई थी मैंने, कास्ट इन इंडियन आरक्षण के माध्यम से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखेंगे इनमें से कई द्वंद आधारहीन हैं, यद्यपि कुछ के साइड इफेक्ट आपने दिखा दिए हैं, बाकी लिखेंगे इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, और ओबीसी से एससी में जाने का जो आग्रह है, दुराग्रह है, वो छोड़ दिया जाए, पॉलिटिकल वोट बैंक को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो द्वंद्व हैं
वो सतही हैं, संवैधानिक नहीं माने जा सकते, ठीक है। जैसे इंदिरा साहनीवाद में आरक्षण को तार्किक बनाते हुए कहा गया, आप साफ साफ लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। ये तय करता है कि जो नॉन रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं वो सुरक्षित रहें, आरक्षण को लॉजिकल बना देगा। पहला उपाय ये द्वंद नहीं टिकता, ये द्वंद बेकार का है कि 50%, ठीक है ना। दूसरा, कोर्ट ने इसे संतुलित करते हुए क्या लगा दिया, इसमें क्रीमी लेयर लगा दी, यानी मलाईदार परत की अवधारणा लगा दी। मलाईदार परत का मतलब है कि ओबीसी में जो लोग आज के समय में शायद 10 लाख लिमिट कर दी गई है, जो लोग 10 लाख की अपनी इनकम दिखाएंगे उनको आरक्षण का लाभ ओबीसी में नहीं मिलेगा, एससी एसटी में मिलता रहेगा। तो क्रीमी लेयर की कंसेप्ट क्या करती है, आरक्षण को संतुलित करती है, उसके उद्देश्य को बनाए रखती है, तरीकों को जस्टिफाई करती है। और जहां तक बात योग्यता की आ रही थी उसको भी संभालेंगे। इंदिरा गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि योग्यता और कार्य कुशलता दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, योग्यता और कार्य कुशलता दो अलग अलग चीजें हैं और सरकार को दोनों के मानक स्टैंडर्ड अलग अलग बनाने चाहिए। इसका सीधा मतलब यह था कि कोर्ट ने कहा कि जहां आरक्षण देने से यदि योग्यता प्रभावित होती है, एफिशिएंसी प्रभावित होती है, आप वहां मत दीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा डीआरडीओ की पोस्ट पर, साइंटिस्ट की पोस्ट पर, आर्मी में क्या नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिख के दिखाएंगे। चलो वापस आते हैं, ठीक है। तो क्या हम बात कर रहे थे कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने भी क्या कहा है कि जहां आरक्षण देने से वाकई ही चीजें प्रभावित होती है नकारात्मक रूप से, वहां नहीं दिया जाएगा। तो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था साइंटिस्ट की पोस्ट पर, आर्मी की स्थितियों में, बाकी जगह आरक्षण देने से क्या नहीं होगा, योग्यता प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि कार्यकुशलता को ट्रेनिंग देकर क्या किया जा सकता है, जस्टिफाई किया जा सकता है। जैसे आईएएस है, तो आईएएस में अगर कोई आरक्षण देकर डीएम बनता है तो ट्रेनिंग करके क्या कर सकते हैं, उस कमी को पूरा किया जा सकता है। तो वहां योग्यता से प्रभावित नहीं होता कोई, योग्यता से उसकी कार्यकुशलता पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला आधार, एक आरोप ये था कि आरक्षण के आधार कैसे नहीं है, तार्किक नहीं है, तो ये आरोप भी सरकार ने दूर कर दिया जब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी क्या दे दिया गया, 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। क्लियर है, ये उपाय भी वहां हमें दिखाता है कि आरक्षण को व्यवस्थित किया जा रहा है। ठीक है, बात ये कुछ और विरोध हैं जिनको आप दिखाएंगे, आपके सामने स्लाइड में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण कहाँ दिया जाए, शिक्षा में दिया जाए, नौकरी में ना दिया जाए, ठीक है, तो आप इसे दिखा सकते हैं। अगला आर्टिकल आपके सामने है, तो अब हम लिखेंगे कि निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, कोई व्यवस्था हो, चाहे संविधान हो या संविधान के तहत कोई व्यवस्था हो,
उसका समय समय पर समीक्षा या मूल्यांकन होना चाहिए। तो 70 सालों से अधिक हो चुकी है आजादी, हमें समीक्षा करनी चाहिए इसकी। क्या समीक्षा है कि कितना हमें, हमने जो उद्देश्य बनाया था उतना मिला, पैदा हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। और ये सब देखने के बाद हम ये तय कर सकते हैं कि इसको बनाए रखा जाए और कैसे और बेहतर बनाया जाए। ठीक है, तो ये जो सामाजिक पटवारी लिखा है ना, ये सामाजिक बंटवारा होना चाहिए, ये गलत आ गया है, तो आप सामाजिक बंटवारा लिखेंगे यहाँ पर, डिवीजन। क्लियर है? चलो, कुछ लोग और आरक्षण का विरोध करते हैं, वो स्लाइड भी आपके सामने है, इसे भी आप दिखा सकते हैं। विरोधी क्या कहते हैं, कार्यकुशलता की हानि होती है, कंपटीशन के दौर में आरक्षण हमारी एफिशिएंसी को प्रभावित करेगा, हम संसार के साथ कदम ताल करके नहीं चल सकते। ठीक है ना, लेकिन हम बता चुके हैं कि जब तक हम समाज के एक बड़े हिस्से को क्या नहीं करेंगे, मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, तब तक आरक्षण को बनाए रखना हमारे लिए आवश्यक हो। ओके, हाँ, यह जरूर है कि निम्नलिखित सुझावों के साथ बनाए रखना चाहिए या इस पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, अब वो विचार कौन कौन से हैं ये देखें, संभाल के लिखिएगा और किसी को भी फसल बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल हम निबंध लिख रहे हैं। तो पहला सुझाव देंगे कि अब ये मांग हो रही है कि आरक्षण को तार्किक बनाने के लिए जरूरी है कि एससी एसटी में भी क्या हो, क्रीमी लेयर कंसेप्ट या अवधारणा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए उसका भी लॉजिक आप चाहें तो दे सकते हैं, और वो लॉजिक भी आप भी सहमत होंगे जब आप सुनेंगे इसे, तो हो सकता है कि पर्सनल आपको विरोध हो लेकिन लॉजिकल चीज है। सपोज करिए एससी के लोगों ने एसटी के लोगों से 50 साल पहले लाइन लगाई जिसमें कहा कि हम 10 लोग एससी या एसटी हैं, तो सरकार ने कहा कि ठीक है आप एक एक करके ले लीजिए आरक्षण का लाभ। ठीक है, तो मिस्टर ए कोई व्यक्ति है जो उस समय उस कैटेगरी का है और वो उसका सहारा लेकर एसडीएम बनता है, डीएम बन जाता है, जो भी, उसके हिसाब से आज देखा तो उसकी तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी सिविल सेवा में आ रही और उसे भी आरक्षण मिल रहा है ना? यानी एक ही व्यक्ति लगातार पीढ़ियां दर पीढ़ी क्या कर रहा है, आरक्षण का लाभ ले रहा है। ये बड़ी पोस्ट के लिए, छोटी पोस्ट की बात नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 60-70 सालों में 1-2-3-4 परिवारों के लगभग 3 पीढ़ियां लगातार लाभ ले रही हैं। जो चौथा पांचवा छठवें नंबर का व्यक्ति था उसका नंबर तो कभी आएगा ही नहीं, जबकि जब लाइन लगाई गई थी तो क्या अपील की गई थी कि हम सब एक ही कम्युनिटी से हैं, इसलिए हम हमें एक एक करके सबको देना चाहिए। कहने का है कि अगर इस कैटेगरी किसी व्यक्ति को लाभ मिल गया है तो उसे अपने ही भाई लोग भाई बंधुओं के लिए रास्ता खोल देना चाहिए कि भाई मुझे अब जरूरत नहीं है, मैं इतना सक्षम कि अपने बच्चों को क्या कर सकता हूँ, अच्छी सुविधा दे सकता हूँ, मैं उन्हें योग्यता से आगे बढ़ाऊंगा ना कि आरक्षण से आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 50 साल पहले जो लॉजिक उसने दिया था आज वो खुद ही उस लॉजिक पर फॉलो नहीं कर रहा है। तो नैतिक रूप से भी और तार्किक रूप से भी जरूरी है कि वो लाइन से हटे और अपनी ही कम्युनिटी के बाकी लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे। इसका मतलब नहीं कि जनरल वाले की रास्ता खोल रहा, नहीं, वो अपने ही भाई बंधुओं की रास्ता खोल रहा, उनका नंबर आना चाहिए। खैर, एक सुझाव तो आप ये देंगे। दूसरा सुझाव ये है कि आरक्षण में जिस तरह से इसे वोट बैंक के रूप में यूज किया गया वो नहीं होना चाहिए। चुनावी लाभ के लिए, माइलेज के लिए, एडवांटेज के लिए हम किसी जाति को कह दें
आरक्षण देंगे जबकि उनको जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जाटों की व्यवस्था थी, है ना, उनको कहा गया कि भाई पश्चिम यूपी के जाट अधिकांशतः क्या है, सक्षम, उनको आवश्यकता वाकई नहीं थी। वो शैक्षणिक रूप से भी कैसे हैं, मजबूत हैं, आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं, तो उन्हें वाकई जरूरत नहीं। ठीक है, तो पॉलिटिकल वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह अगला सुझाव। ठीक है, और सुझाव क्या हो सकता है कि जो अच्छा सुझाव होगा और आप लगा सकते हैं इसको, आपने सोचा भी नहीं होगा कि सुझाव हो सकता है कि सरकार जिस तरह से निजी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र को दे रही है या संविदा पर भरने लगती है, तो संविदा में आरक्षण चलता नहीं है। संविदा में सरकार क्या करती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी को दे देती है और वो अपने आप से कर्मचारियों की भर्ती करता रहता है। तो कुछ राज्यों ने किया है कि जब संविदा में भर्ती होती है तो वहां भी आरक्षण को लागू होना चाहिए, ये आरक्षण का वास्तविक उद्देश्य रहेगा। ठीक है, और इसी कारण कुछ लोग निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ठीक है, यद्यपि उसके अपने नकारात्मक परिणाम सकते हैं लेकिन निजी क्षेत्र को भी सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी लेनी होगी, तो वहां भी तार्किक रूप से हम आरक्षण को लागू करने की का सुझाव या सिफारिश कर सकते हैं। तार्किक रूप से योग्यता भी प्रभावित ना हो लेकिन उन्हें मौका वहां भी मिलना ही चाहिए। ठीक है, आरक्षण का टॉपिक जो सामाजिक न्याय का जरिया है। अब यहां तक कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। हेलो सर। हाँ प्रिया सर, जैसे जिन लोगों को आरक्षण में मिल जाता है, आपने बोला कि लाभ मिल जाता है उन्हें, उसके बाद फिर अलग हो जाना चाहिए, तो उनके लिए भी अलग से प्रोसेस होता होगा? सर नहीं।